धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने भाई श्री भर्तरी महताब जी द्वारा लाए बिल डिमनेशिया के मरीज और उनसे होने वाले प्रभावों के बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। महताब साहब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और चूंकि 6 साल से उनके साथ काम करने का मौका मिला है तो मुझे ये लगता है कि समय से ज्यादा सोचते हैं, समय से पहले सोचते हैं। क्योंकि इस देश में सभापति महोदय जब युवाओं की बात चल रही है, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, सभी युवाओं की बात करते हैं। यूथ स्किल की बात होगी, यूथ के रोजगार की बात होगी, यूथ को एडजस्ट करने की बात होगी, यूथ के लिए सपने बनाने की बात होगी। कोई भी इस देश में अभी तक बुजुर्गों के बारे में नहीं सोचता है। और बुजुर्गों की जो ये डिमनेशिया एक बड़ी बीमारी है या अल्जाइमर जैसी बीमारी है या इस तरह के और भी बीमारी है, उसके बारे में तो कतई नहीं सोचता। और मैं इसलिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि अगर सोची सदा सुखी, जो आगे की सोचते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, भगवान उनको हमेशा सुख और शांति दे। लेकिन सभापति महोदय, जब से इस हाउस में आया हूं मैं, इस हाउस में मैं देखता हूं कि गांव की बात होती है, गरीब की बात होती है, किसान की बात होती है, अशिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, गरीबी की बात होती है। हम सभी यहां चर्चा करने के लिए पूरा हंगामा करते हैं, पूरा हल्ला करते हैं। जब चर्चा होने लगती है तो चर्चा के समय बहुत कम लोग नजर आते हैं। और यदि आप कुछ बोल दीजिए कि सरकार की ये गलती हो गई, सरकार ने ये किया, उसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है, तो कहा जाएगा कि आपको ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए। मैं ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, एक सांसद के नाते किसी को शर्म आती है या नहीं आती है, मुझे भयंकर शर्म आती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा शर्म आती है जब गांव में जाता हूं और गांव में मैं जब लोगों को देखता हूं कि वो इंदिरा आवास मांग रहे हैं, वो लाल कार्ड मांग रहे हैं, वो अपने बीमारी के इलाज के लिए मांग रहे हैं। और जब मैं यहां दिल्ली के अपने आवास में रहता हूं तो मैक्सिमम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपने इलाज के लिए आ रहे हैं और ऐसे आदमी आ रहे हैं जिनको की टिकट का भी पैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि 67-68 साल के आजादी के बाद यदि हमारे जैसे लोगों को यही करना पड़ रहा है तो ये हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि के लिए डूब मरने वाली बात है और मैं हमेशा शर्मिंदा होता हूं। और जो कहावत है कि सत्यं ब्रियात प्रियं ब्रियात न ब्रियात सत्यं व प्रियं, मैं इस पूरे चीजों के खिलाफ हूं कि जन्म का बिगड़ी अब का सुधरी। जब बचपन से ही सच बोलने की आदत हो गई तो सच बोलना चाहिए। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभापति महोदय, आप जहां से हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महोदय की एक बड़ी अच्छी कविता है और चूंकि उनका मेरे परिवार से बड़ा लेना देना है, हमारे रिश्तेदार के यहाँ वो उनके पिताजी जो है वो पहलवान थे, लठेती करते थे महिषा दल के राज परिवार में और वो मेरे परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है, तो उनकी जो कविता है कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और आज भी गांव, गरीब, किसान और जिस तरह के पेशेंट की बात लेके भर्तरी महताब साहब आए हैं, आज भी वही स्थिति। मैं अभी सभापति महोदय महात्मा गांधी को पढ़ रहा था। महात्मा गांधी के ऊपर बहुत चर्चा होती है, उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें उन्होंने लिखा कि व्हेन एवरी होप इज गॉन, व्हेन हेल्पर्स फेल एंड कंफर्ट्स फ्ली, आई फाइंड दैट हेल्प अराइव समहाउ फ्रॉम आई नो नॉट वेयर, सप्लिकेशन वर्शिप प्रेयर आर नो सुपरस्टिशन, दे आर एक्ट्स मोर रियल देन द एक्ट्स ऑफ ईटिंग ड्रिंकिंग सीटिंग और वॉकिंग। और मैं ये समझता हूं कि ये जो बिल है, ये बिल उन लोगों के लिए इसी तरह की व्यवस्थाएं लेकर आया। भारत सरकार की एक आदत है, रिपोर्ट आती है माननीय मंत्री जी, कमेटी बनती है और वो कमेटी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं खो जाती है। ऐसा नहीं है कि महताब साहब ने ही पहली बार इसके बारे में सोचा होगा, इसके पहले भी सोचा होगा, क्योंकि इस देश में जो डिमनेशिया है उसको हो किसको रहा है?
यदि WHO की रिपोर्ट को यदि आप देखेंगे तो डिमनेशिया जो हो रहा है वो हो रहा है जो गरीब लोग हैं दुनिया में, जो गरीब देश है, भारत जैसे देश में ये हो रहा है, पाकिस्तान जैसे देश में हो रहा है, कैरो जैसे देश में हो रहा है, मिस्र में हो रहा है, छोटे छोटे कैमरून जैसे देश हैं, और नहीं वही बता रहा हूं, और उसमें भी हिंदुस्तान में उस इलाके में हो रहा है सभापति महोदय जिस इलाके से हम और महताब साहब आ रहे हैं, उड़ीसा में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जहां की गरीबी सबसे ज्यादा है। तो ये जो डिमनेशिया बीमारी है, अल्जाइमर बीमारी है, इसको आप कह सकते हैं कि जिनको पेट में खाना नहीं मिल रहा है, जिनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, जिनको कैलोरी नहीं मिल रहा है, वहां ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए ये ज्यादा विषय वस्तु है। और एक रिपोर्ट बनी सभापति महोदय, और वो रिपोर्ट डिमनेशिया के लिए 2010 की रिपोर्ट आई, और उसमें लिखा, उसने पहला जो रिपोर्ट की जो कॉपी है वो कह रहा है कि इंडिया में डिमनेशिया के लिए जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज, यदि दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है डिमनेशिया के पेशेंट का, तो हिंदुस्तान में हो रहा है। ये 2010 की रिपोर्ट है सभापति महोदय, द डिमनेशिया इंडिया रिपोर्ट 2010। और उसके लिए उसने कहा कि हमको जो है डिमनेशिया को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमनेशिया के पेशेंट हो रहे हैं। जैसे CR चौधरी साहब कह रहे थे कि 10 करोड़ लोग अभी यदि बुजुर्ग हैं, तो हमको लगता है कि 2050 होते होते हम लोग शायद 25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। जितनी तेजी से युवा बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से वृद्ध भी बढ़ रहे हैं, और उसमें डिमनेशिया की जो बीमारी है वो कम से कम 10-15% लोगों को हो रही है। इसका मतलब कि 1.5 से 2 करोड़ लोग मिनिमम जो है डिमनेशिया अल्जाइमर के शिकार होंगे। और उसके लिए उसने रिकमेंड किया कि चूंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज तक भारत सरकार ने उसको नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि ये 2010 की रिपोर्ट हो गई, 2015 में हम बात कर रहे हैं, आजकल आज तक इसकी नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनी है। दूसरे उसने कहा कि इसको किसको फर्क पड़ रहा है, डिमनेशिया का प्रभाव इंडिविजुअल है, डिमनेशिया का प्रभाव फैमिली में है, और डिमनेशिया का प्रभाव सोसाइटी में है। इंडिविजुअल ये है कि जिसकी याददाश्त खत्म हो गई, जो कि चल पाने की स्थिति में नहीं है, जो आप अल्जाइमर हो गया, आप ये समझिए पार्किंसंस डिजीज हो गया, यानी हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, या वो भूल जा रहा है, तो या तो घर में उसको एक कोने में रख दिया जाता है, क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ जाएगा तो लगता है कि हम बदनाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि किस परिवार का आदमी है, तो उसको एक जिसको कहते हैं कि कैदी की तरह घर में रखना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा होता है कि जब वो फैमिली में जाएगा तो फैमिली के कोई भी फंक्शन होंगे, शादी होगा, विवाह होगा, छठी होगा, इवन श्राद्ध भी होगा, तो भी उनको लोगों के पास नहीं जाने जाएंगे, पता नहीं है क्या बोल दे। और तीसरा, सोसाइटी वाले तो कई एक लोग उसको पागल समझने लगते हैं, क्योंकि भूलने की बीमारी है, कभी आज ये बात बोल रहा है कल बचपन की बात बोलने लगेगा, तो उसको पत्थर मारने लगेंगे। और इन तीनों पर जब होता है तो उसके लिए कॉस्ट की आवश्यकता होती है, और इसीलिए कहा गया कि फंडिंग फॉर डिमनेशिया रिसर्च इसके लिए नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई फंडिंग फॉर, क्योंकि एक आदमी के इलाज के लिए सभापति महोदय लगभग लगभग जो है 1600 से लेकर $1700 की आवश्यकता है, और इस देश में लगभग 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपया यदि खर्च किया जाएगा आज की डेट में, आज जितने पेशेंट हैं, तो उससे भी शायद कम पड़े। तो इसका मतलब यह है कि एक पेशेंट पर एक फैमिली का कम से कम नहीं भी कुछ तो 70 से 75 हजार रुपया खर्चा होगा, और 70-75 हजार रुपया कहां से खर्चा करेगा जिसको कि पेट में खाना ही नहीं है। तो पेट में खाना नहीं है तो वो उसका केयर नहीं करते हैं, वो उसका इलाज नहीं करते हैं, और फैमिली में सोसाइटी में कटे रहते हैं। और इसके लिए जो एक रिसर्च होना चाहिए कि किस तरह से इसका सस्ता से सस्ता इलाज हो, उसके लिए भारत सरकार ने आज तक कोई नीति नहीं बनाया है। उसके बाद जो है कि उनको हेल्थ और सोशल केयर सर्विसेज का जो है एक्सेस नहीं है, तीसरा उन्होंने पॉइंट बनाया। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इंप्रूव डिमनेशिया आइडेंटिफिकेशन एंड केयर स्किल्स, क्योंकि कैसे इस पेशेंट को स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, स्किल की यदि आवश्यकता है कि कैसे केयर किया जाएगा, फाइनली किस तरह की बीमारी है और इसका किस तरह, जैसे मान लीजिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी यदि वो बीमार हैं तो पूरा देश उनके लिए चिंतित है। आपके तरफ से PR दास मुंशी साहब, अधीर साहब बीमार है, उनका केयर हो रहा है, केयर इसीलिए हो रहा है कि पूरा देश उनके लिए चिंतित है।
वो देश के बड़े आदमी थे, देश के महारथी थे, तो ऐसे लोगों का तो केयर हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों के केयर के लिए सरकार ने या राज्य ने या सोसाइटी ने आज तक इसके बारे में नहीं किया। और उसने जो है अपना जो रिकमेंडेशन दिया, वो रिकमेंडेशन ये दिया कि इसके सोशल केयर की व्यवस्था होनी चाहिए और डेवलप कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब कि समाज के लोगों को भी जागृत करना है, समाज के, जैसे आपको पता है गुनी का जमाना है, ओझा का जमाना है, कोई डायन खत्म करता है, आज भी ये चीजें खत्म नहीं हुई है, झाड़पूक खत्म नहीं हुआ है, कोई मजार पर ले जाता है, कोई मंदिर ले जाता है, इवन सांप का कटा हुआ है कई एक जगह मंदिर पे चले जाते हैं। उसी तरह से जब इस तरह के बीमारी, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चलता इसका फर्स्ट फेज है, सेकेंड फेज है, थर्ड फेज है, तीन फेज तक जाते जाते थर्ड फेज में लोगों को पता चलता है, पहले फेज में लगता है कि कोई नशा करता होगा, लगता है कि कोई भांग खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई चरस ले रहा है, पहले तो इसी तरह से करते हैं। दूसरा नहीं तो घर में उसको छुपाने का प्रयास करते हैं कि नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। और जब थर्ड फेज जाते हैं तो थर्ड फेज होते होते फाइनली उस आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कहीं, तो इसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है कि इसको प्रॉपर इलाज की आवश्यकता है, इसको ओझा गुनी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्या है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर सपोर्ट सर्विस, मतलब जिसके बारे में मैंने कहा, इन्होंने ये सारी चीजें रिकमेंडेशन में कही हैं कि क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा कि डेवलप न्यू नेशनल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन फॉर पीडब्ल्यूडी, ये रिकमेंडेशन है, लेकिन आज तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद गारंटी कैरियर सपोर्ट पैकेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग प्रोफेशनल्स, the family and community policy makers and agency do the needs of person with dementia has led to dementia care being absent or delivered piecemeal and inefficient fashion in India, and more investment and careful planning will be needed to maximize the quality of life of person with dementia and their families and to accomplish that in efficient manner with the available resource. इसके लिए आप ये समझिए कि इन्होंने कहा कि गारंटी कैरियर सपोर्ट पैकेज, कैरियर सपोर्ट पैकेज की आवश्यकता है, कैरियर सपोर्ट पैकेज की आवश्यकता हमारे जैसे लोगों को नहीं है, और भी लोगों को नहीं है, लेकिन यदि आप समझिए इसको कोई रोजगार नहीं देंगे तो यह क्या करेगा बेचारा, और उसके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। फैमिली में एक आदमी को रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कैरियर सपोर्ट पैकेज कैसे होगा कि वो बीड़ी बना सकते हैं क्या, वो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगरबत्ती बना सकते हैं क्या, वो पटाखा बना सकते हैं क्या, मतलब आप उसकी उपयोगिता छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं कि ये तो कोई काम का ही नहीं है। और इस कारण से यदि कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ, फैमिली डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप समझिए कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम लोग जो है इतने परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान क्योंकि एक आदमी जो है इस देश को तबाह कर सकता है, तो आप समझिए कि क्या होने वाला है, सोसाइटी का क्या होने वाला है, और इसके बारे में लोग सोचते नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देते हुए नहीं, कि जब भर्तृहरि महताब साहब ने यह बिल लाया तो 3-4 मार्च 2015 को WHO का जो है ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट डिमनेशिया WHO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ जेनेवा। मतलब इस बिल को लाने के बाद ये हुआ, पता नहीं महताब साहब ने इस बात का जिक्र किया कि नहीं किया, लेकिन मैं जब अभी देख रहा था तो मैंने देखा, और उन्होंने कहा कि क्या प्रोग्रेस का मूविंग फॉरवर्ड पथ होना चाहिए। WHO इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वर्ल्ड वाइड, उसमें उन्होंने कहा कि इंश्योरिंग अर्ली डायग्नोसिस। तो सरकार से मेरा पहला सवाल यह है कि WHO ने जो ये 3-4 मार्च को, जो अभी मतलब हम बातचीत कर रहे हैं, अभी 13 मार्च को, आज से 10 दिन पहले जो ये हुआ, उसमें हमने क्या व्यवस्था की है कि कैसे इसके पहचान होगी। उन्होंने पहला पॉइंट ये कहा। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि ऑप्टिमाइजिंग फिजिकल हेल्थ कॉग्निशन एक्टिविटी एंड वेलबींग, इसके बारे में भारत सरकार क्या कर रही है। तीसरा उसने कहा डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, इसके बारे में भारत सरकार क्या कर रही है। और चौथा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू केयर गिवर्स, इसके बारे में ये 4 गोल उसने तय किए। और उसके बाद उसने 4 गोल तय करने के बाद सारे देश को कहा, सारे देश को उसने 5-6 पॉइंट कहे। उसने पहला पॉइंट कहा सभापति महोदय कि डेवलपिंग ए प्रायोरिटाइज रिसर्च एजेंडा इन्वॉल्विंग मेजर रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। दूसरा उसने कहा कि इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च रिलेवेंट टू डिमनेशिया। तीसरा उसने कहा कि इंप्रूविंग द इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
एफडीआई की बहुत बात होती है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात होती है, तो उसने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन रिलेटेड टू डिमेंशिया। चौथा उसने कहा कि इंक्लूडिंग ऑप्टिमाइजिंग द पथ ऑफ ड्रग्स फ्रॉम रिसर्च टू द मार्केट, क्योंकि वो रिसर्च चल रहा है, तो उसको मार्केट में कैसे लाइएगा, और एनकरेजिंग WHO, दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा सभापति महोदय, कि नेशनल कैपेसिटी टू कंडक्ट रिसर्च और एनकरेजिंग WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर्स टू इनकॉर्पोरेट रिसर्च इनटू देयर प्लान्स एंड फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव रिसर्च थ्रू बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन एंड मल्टी सेंटर प्रोजेक्ट्स। ये उसने WHO को रिकमेंडेशन है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में निश्चित तौर पर भारत सरकार जो है सोचने का विचार करेगी, क्योंकि मैं फिर गांधी जी को कोट करके खत्म करूंगा, क्योंकि इस देश में सभापति महोदय मैं आपको बताऊं कि चर्चा डिमिनेशिया और निगेशनिज्म जो इंडिया में है, वो इंडिया में ये है कि जात की बात होगी, पात की बात होगी, उस पर बहुत लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे आज तक समझ में ना आया कि महाभारत तो वेदव्यास ने लिखा, वो एक दासी पुत्र थे, उसी तरह से रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वो क्या थे, और भारत का संविधान जिसकी हम चर्चा करते हैं वो किसने लिखा। इसलिए हम इस जात पात से ऊपर है। यदि आप बात करेंगे गांव गरीब किसान की बात करेंगे रामकृपाल जी, तो आप ये बताइए कि आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले कौन सा ऐसा घर था गांव में कि जिसके घर में जो है बाथरूम हुआ करता था, सारी महिलाएं सारे पुरुष जो है खेत में जाया करते थे। तो जाति मैं समाप्त केवल इसलिए करना चाहता हूं, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी और परावलंबन से मुक्त कर दे और उसे आवश्यकता हो तो पाप करने तक का अधिकार दे दे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि यह उनका देश है। आज मैं उसी महात्मा गांधी की बात को, सभापति महोदय आपने समय दिया, समाप्त करते हुए भर्तृहरि माता साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति की उन्होंने तो कुछ नहीं किया, हम आप यदि महात्मा गांधी के नाम पर इस देश के लिए और खासकर इस डिमनेशिया के पीड़ित आदमियों के लिए कुछ कर पाए तो वृद्धों के लिए, इस देश के लिए उचित कदम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।